हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रेसिपी लेके आ गई। आज मैं बनाने वाली हूँ कश्मीरी आलू दम। आप लोगों को अच्छा लगे तो देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए ही तो मैं बनाती हूँ। दोस्तों देखते हैं कश्मीरी आलू दम के लिए क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पे ले लिया है आलू, हमने इसको बॉयल कर लिया है। साथ में मसाले में आ गया दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, रेड चिली, जीरा, इलायची, ये है तीखा लाल मिर्च पाउडर, साथ में मिर्ची स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार। और मसाले में आएगा ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सिर्फ कलर के लिए। साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दही, साथ में गरम मसाला, ये हमने लिया है काजू, और ये है थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, और थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ेगा, जी हाँ, चीनी। जहाँ पे दही यूज़ करना है वहाँ पे थोड़ा सा चीनी भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो खट्टा ही हो जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। साथ में हम ये पूरी जो रेसिपी है इसको हम करेंगे रिफाइंड ऑयल से। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिया, तो चलिए आगे देखते हैं प्रिपरेशन। चलो पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। इसमें नमक और हल्दी मिला के इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मसाले प्रिपेयर करेंगे, और इसके लिए हमने ग्राइंडर में काजू ले लिया। अब इसको पहले पेस्ट बनाएंगे। तो काजू का पेस्ट रेडी हो गया, अभी आगे देखते हैं। तो दोस्तों आलू फ्राई हो गया है, अभी नेक्स्ट स्टेप जो दही है इसके अंदर सारे मसाले जाएंगे, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है। इसको अच्छे से मिक्सिंग करते रहना चाहिए, जितना स्मूथ मिक्स होगा उतना अच्छा बनेगा ये डिश। ठीक है, इसको करते रहेंगे, तब तक मसाले फ्राई भी करना स्टार्ट करते हैं। अभी इस फ्राई के अंदर हम डाल देंगे दही के साथ जो मसाले हमने मिक्स किया था वो पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करना है, और एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी ये दही इसमें ऐड करना है ना तो थोड़ा लो फ्लेम में रखना उस टाइम पे। अभी इसको लीड क्लोज करके कुछ देर पकने देंगे, फिर बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे काजू का पेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मसाला है कितना अच्छे से पक गया, इसके अंदर से ऑयल भी छोड़ने लग गया। अभी इसके अंदर डालना है आलू को, डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा गर्म पानी देना। आज का डिश रेडी हो गया कश्मीरी आलू दम। चलो अभी इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए रेडी हो गया कश्मीरी आलू दम। ये रोटी, पूरी, नान, राइस सबके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप लोग इसको घर पे ट्राई कीजिए, कैसा लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।